न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खबरें विस्तार से। लक्सर तहसील के आसपास क्षेत्र में 24 घंटे से बारिश बरस रही है। यह से किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। किसानों का कहना है कि इस वक्त बारिश के होने से किसान की फसल गेहूं और सरसों और खेत से गन्ने का निकलना दुश्वार हो रहा है। वहीं गेहूं और सरसों की फसल को लेकर किसानों का कहना है कि भारी नुकसान हो गया है और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। दो दिन पूर्व बारिश के होने से जिसमें ओले की वृद्धि हुई थी उसमें खेती को काफी नुकसान हुआ है। वहीं रात की बारिश से भी किसानों का कहना है कि जबरदस्त नुकसान हुआ है और दिन निकलते ही फिर काले काले बादल मंडलाए और बारिश रिमझिम निंजा होने लगी, जिसे देखकर किसानों के चेहरे पर लकीर आ गई है। किसानों का कहना है कि अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती तो किसान की कमर टूट जाएगी और किसान खेती की ओर से पूरा टूट चुका है। अब देखना यह है सरकार किसानों की तरफ ध्यान देती है या नहीं है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाइट किसान डेरा किसान बहादुरपुर डेरा बाइट। चाचा, बारिश को लेकर के क्या कहना है आपका? भाई बारिश क्या, बारिश तो अति से ज़्यादा हो रही, फसल बिल्कुल बेकार हो गई, गेहूँ सारा खत्म कर दिया बारिश ने, डूब गया पानी में। और खेती का गन्ना वो नहीं बोया जाता, गन्ना निकलता नहीं, गन्ने में पानी बहुत भरा गया, बहुत ज़्यादा नुकसान है। ओड़ा भी पड़ गया, ओड़े से भी बहुत नुकसान हुआ। मिट्टी के तो काश्तकार की तो उनको बहुत तबाही है, काश्तकार तो बहुत परेशान है बहुत ज़्यादा। सरकार की ओर से कोई मदद नहीं आ रही इस टाइम? सरकार की तरफ से कोई मदद इस टाइम कुछ नहीं आ रही, कोई मदद नहीं आ रही। चाचा, इस वक्त तो बारिश हो रही है, इस बारिश पर किसानों का क्या कहना है? भाई किसान तो इस वक्त बहुत ही परेशानी में आ गया। जैसे बारिश हो रही है, कल भी हुई है, रात भी हुई है, फिर हो रही है दिन में, इससे क्या किसानों की फसल पे नुकसान है? नुकसान है फसल में, सरसों का नुकसान है, गेहूँ का नुकसान है, गन्ना नहीं निकल रहा, चल नहीं रहा।